नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज। मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए रुख करते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों की तरफ। आज नगर में लवकुश जयंती के मौके पर निकाला गया विशाल चल समारोह। कुशवा महासमाज गुना के द्वारा आज नगर में विशाल चल समारोह निकाला गया। चल समारोह में युवा व समाज जन डीजे एवं ढोल नगाड़े की धुनों पर नाचते दिखाई दिए। चल समारोह नगर के मुख्य मार्गों से निकाला गया, इसका जगह जगह स्वागत भी किया गया। चल समारोह में लवकुश की आकर्षक झांकी भी लगाई गई। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने किया धरना प्रदर्शन। आज एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री का पुतला जलाया। चुनाव न कराए जाने से नाराज छात्र संघ का आरोप है कि मुख्यमंत्री ने छात्र संघ चुनाव कराए जाने का वादा किया था, लेकिन अभी तक चुनाव नहीं कराए गए। इस संबंध में सरकार का रवैया टालमटोल का है, जिसके विरोध में आज छात्र संघ ने धरना प्रदर्शन कर चक्का जाम किया। लायंस क्लब के द्वारा आज अंतरविद्यालयीन पीस पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन मानस भवन में किया गया, जिसमें सभी स्कूल के छात्र छात्राओं ने भाग लेकर पेंटिंग बनाई। अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक पूरे विश्व में लॉयंस युवा सप्ताह का आयोजन किया जाता, उसी के अंतर्गत आज 7 अक्टूबर को एक हमने अंतरविद्यालयीन पीस पोस्टर प्रतियोगिता आयोजन किया गया। इसमें गुना के लगभग 10 स्कूलों के 100 से 125 छात्रों ने और छात्राओं ने भाग लिया है। विषय है शांति का भविष्य, द फ्यूचर ऑफ पीस। और यहाँ पर जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यहाँ 3 पुरस्कार हम देते हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय। इसके बाद ये डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, वहाँ से फिर मल्टीपल में जाएंगे और वहाँ से फिर इंटरनेशनल में जाएंगे। सैन समाज ने किया धरना प्रदर्शन। केश शिल्पी योजना का लाभ नहीं मिलने से नाराज सैन समाज के लोगों का आरोप है कि योजना का क्रियान्वयन ठीक से नहीं किया गया, जिससे सैन समाज को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। मिले कलेक्टर साहब से मिले, लगातार आवेदन दिए, तो कैसी विडंबना है कि उनके अधिकारियों को पता नहीं है कि कोई केश शिल्पी योजना चलती है। कई बार बताया गया ये कौन सी योजना है, कौन सा आदेश है, ये केवल एक मक्सुल नगर से
सभी लोगों के फार्म भर लिए गए थे और लगभग 150-200 फार्म भर लिए गए थे। निरंतर वहाँ से खबरें आ रही थी। हमने फिर इसको रावल की टीम ने उनको पूरा सहयोग करा और SDM साहब को ज्ञापन दिया। इस योजना में अभी तक कहीं भी किसी प्रकार का कोई आदेश नहीं दिया। हमारे भमोरी ब्लॉक में हमारे साथीगण गए, वहाँ ब्लॉक अध्यक्ष महोदय ने अपनी बात, वहाँ पे सब समाज बंधुओं ने KSLP ने अपनी बात रखी ब्लॉक CO साहब के पास। ब्लॉक CO साहब का आदेश था कि हमको अभी ऐसी कोई योजना का आदेश नहीं मिला है, कृपया कर आप आदेश ले आए, हम योजना चालू कर देंगे। मध्य प्रदेश युवा सेन समाज संगठन के तत्वावधान में जो मध्य प्रदेश शासन ने KSLP योजना 2014 का को लागू किया था, उसके क्रियान्वयन न होने के विरोध में आज सेन समाज गुना एक दिवसीय धरने का आयोजन कर रहा है और ये शासन से मांग कर रहा है कि ये जो योजना के रूप में हमारे सेन समाज के जो लाभार्थी हैं उनको लाभ पहुंचाने के लिए जो योजना बनाई गई थी वो ग्रामीण अंचल में तहसील और विकासखंड स्तर पर उसका हमारे हितग्राहियों को लाभ नहीं हो रहा है, केवल ये कागजों में चल रही है, व्यवहार में और अगर धरातल पर देखा जाए तो इस योजना का लाभ किसी को नहीं दिया जा रहा है। वन्य प्राणी संरक्षण के अंतर्गत वन परिक्षेत्र राधोगढ़ के निर्देशन में श्री सुरेश कुमार अहिरवार व उप वन मंडल अधिकारी बीनागंज श्री मुकेश रघुवंशी, वन परिक्षेत्र अधिकारी एवं समस्त वन स्टाफ राधोगढ़, मुख्य नगर पालिका अधिकारी माधुरी शर्मा, शासकीय महाविद्यालय राधोगढ़ का स्टाफ, छात्र छात्राएँ, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय राधोगढ़ के छात्र छात्राओं द्वारा राधोगढ़ में वन्य जीव संरक्षण के अंतर्गत रैली निकाली गई। छात्र छात्राओं को वनों व वन्य प्राणियों के संरक्षण की शपथ दिलाई गई। ज्ञात हो कि अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह में वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। राधोगढ़ से हमारे सहयोगी कमलेश सैनी की रिपोर्ट। इस वर्ष 1-7 अक्टूबर के बीच में जो है वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है, तो आज वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह का समापन दिवस था। इस उपलक्ष में आज रैली निकाली गई थी और इस रैली में वन विभाग के अधिकारी श्री सुरेश अहिरवार साहब जो कि SDO बीनागंज है, मैं स्वयं वन परिक्षेत्र अधिकारी राघोगढ़ और मेरा संपूर्ण स्टाफ, साथ में श्री SC पाटनी जी प्रोफेसर के निर्देशन में उनकी NSS के जो भी विद्यार्थी हैं वो सभी उपस्थित थे। यहाँ के स्कूल के विद्यार्थी उपस्थित थे। सभी के सहयोग से इस रैली का आयोजन किया गया था और इस रैली का उद्देश्य था कि वन्य प्राणी संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करना, उनको ये संदेश पहुँचाना कि वन्य प्राणी जो है राष्ट्र की धरोहर है और वनों के विनाश होने से वन्य प्राणियों का विनाश हो रहा है, वन्य प्राणियों की रक्षा करें जिससे वनों की रक्षा हो। राधोगढ़ से हमारे सहयोगी कमलेश सैनी की रिपोर्ट। सुदनगढ़ विद्युत मंडल सुपरवाइजर PC जैन ने लगाया पानी पर पहरा। पूरा मामला यह है कि मकसूदनगढ़ लटीर रोड विद्युत मंडल के सामने के रहवासी इन दिनों पानी की एक एक बूंद के लिए मोहताज हैं। विद्युत मंडल के सामने के रहवासी पानी विद्युत मंडल में से कई वर्षों से भरते आ रहे हैं। PC जैन विद्युत मंडल सुपरवाइजर के मकसूदनगढ़ विद्युत मंडल में आते ही विद्युत मंडल के सामने के रहवासी पानी की बूंद के लिए आज भी मोहताज हैं। रहवासियों ने बताया कि जब भी वह विद्युत मंडल में पानी भरने के लिए जाते हैं तो विद्युत मंडल साहब हमारे साथ चिल्ला चोट करते हैं और पानी नहीं भरने देता और वहां से भगा देता है। इस संबंध में विद्युत मंडल के सामने वाले सभी रहवासियों ने कई बार आला अधिकारियों से लेकर 181 पर भी शिकायत की पर किसी ने आज तक उनकी सुनवाई नहीं की। यही कारण है कि विद्युत मंडल सुपरवाइजर PC जैन के हौसले आज भी बुलंद हैं। इससे पहले भी ग्रामीणों ने मीडिया को बताया कि मकसूदनगढ़ विद्युत मंडल ऑफिस में PC जैन गांजे के पेड़ों की विद्युत मंडल में ही उगाई करवाता था और ऑफिस में ही गांजा पीकर कई लोगों के साथ चिल्ला चोट कर चुका। हाल ही में हुए ताजा मामले में पहलवान सिंह चिड़ार, जो कि एक महीने का बिजली का बिल जमा नहीं कराए जाने पर सुपरवाइजर PC जैन पहलवान सिंह के घर आधमका
और लाइट काटने लगा। इस पर पहलवान सिंह ने पीसी जैन सुपरवाइजर के हाथ पांव जोड़े और पीसी जैन ने पहलवान सिंह की कोई सुनवाई नहीं की, उल्टा पहलवान सिंह के साथ सुपरवाइजर ने मारपीट भी कर डाली। पहलवान सिंह को पिटते हुए देख पहलवान सिंह की बेटी अपने पिता को बचाने के लिए पहुंची तो पीसी जैन ने उसके साथ भी अभद्रता की। जब पहलवान सिंह की बेटी और पहलवान सिंह ने शोर मचाया तो मोहल्ले के रहवासी शोर सुनकर पहलवान सिंह को बचाने के लिए पहुंचे तो भीड़ को आता देख सुपरवाइजर वहां से भाग निकला। ऐसे भी कई मामले हैं जिनकी शिकायत गुना जिले के पूरे आला अधिकारियों को ग्रामीण कर चुके हैं, पर अभी तक इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। आला अधिकारी सुपरवाइजर पीसी जैन पर इस कदर मेहरबान है कि सुपरवाइजर पर कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति कर मामले को दबा दिया जाता है। इसी का नतीजा है कि सुपरवाइजर के हौसले इतने बुलंद हैं, सुपरवाइजर पीसी जैन ने अब पानी पर भी पहरा लगा दिया है। की समस्या है न रहते भैया, सुपरवाइजर मना करते, चिल्ला चोट करते, पानी नहीं भरने रहते। एक रोज तो खाली बर्तन ही आ लेके दूर कर दी हमने, पंचायत में कर दी, तहसील में कर दी, 181 पे कर दी हमने, सब दूर शिकायत कर दी। वही सुनी है ये सुनवाई हम। पानी की समस्या है, पानी भरने ही नहीं देंगे। पिछली बार ऊपर इसमें साफ है नहीं, जाते हैं मुड़ मुड़ चिल्ला चोट करके भगा देते हैं। हां करी सुनते ही नहीं, सुनवाई नहीं है। तहसील में फिर आए, पंचायत में फिर आए, कोई सुनवाई नहीं है, चिल्ला चोट करके भगा देते हैं। अशोकनगर के डिस्ट्रिक्ट जज ने जिले के सभी पैरा लीगल वॉलेंटियर की बैठक ली। इस बैठक का आयोजन इन वॉलेंटियर्स को विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी देना था, जिनका कि ग्रामीण इलाकों में प्रचार प्रसार कर इन लोगों को करना है। इसी उद्देश्य के लिए जिले के सभी ग्राम तक 4 से 5 लोगों के ग्रुप में बनाकर ग्रामीण इलाकों में जानकारी प्रदान करेंगे, जिसके लिए एक न्याय यात्रा निकाली जाएगी। इस न्याय यात्रा का शुभारंभ अशोकनगर में एक मोटरसाइकिल रैली के रूप में निकाल कर किया जाएगा, जिस रैली में सभी वॉलंटियर्स को आना अनिवार्य होगा। तो अब आपका मानते 500 पर डे का मिलेगा। अगर आप 2 दिन जाओगे तो 500 पर डे मिलेंगे आप लोगों को, और 2 लीटर पेट्रोल मिलेगा। तो आप लोगों को ये चिंता करने की आवश्यकता तो है नहीं कि खर्चा कहाँ से आएगा, वो आपको मिलेगा ही। आप किसी की गाड़ी ले आओ। ये मीटिंग आज PLV पैरालीगल वॉलेंटियर्स के माध्यम से सालसा और नालसा की जो योजनाएँ हैं उन योजनाओं को सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाना इसका उद्देश्य है। इसमें मोटरसाइकिल के माध्यम से एक न्याय संकल्प यात्रा निकाली जाएगी। 2 दिवसीय ये कार्यक्रम है जिसमें इन योजनाओं का प्रचार प्रसार करेंगे। नशे के विरोध में निकाली गई रैली। शासकीय महाविद्यालय राधोगढ़ की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के आयोजन में एक विशाल जन जागरण रैली राधोगढ़ नगर में निकाली गई। उक्त रैली का शुभारंभ नगर पालिका परिषद राधोगढ़ CMO सुश्री माधुरी शर्मा द्वारा किया गया। रैली में वन विभाग, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं गायत्री परिवार की सक्रिय सहभागिता रही। पंक्तिबद्ध छात्र छात्राओं ने जनमानस के नारों के माध्यम से चेताया कि नशा आत्मघाती कदम है, वनों की सुरक्षा मानवीय संरक्षण है, स्वच्छता में देव बसते हैं। वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह का आयोजन में वन विभाग द्वारा रैली में सक्रिय सहभागिता रही। मौत के आगे नाच रहा है, शराब पिएंगे तो बच्चे भूखे मरेंगे, शराब पिएंगे तो बच्चे भूखे मरेंगे, शराब पिएंगे तो बच्चे भूखे मरेंगे, बीड़ी सिगरेट दारू नहीं पिएंगे, नहीं पिएंगे। जब सबने मिलकर खाना है, मानव जीवन है अनमोल। राधोगढ़ से हमारे सहयोगी कमलेश सैनी की रिपोर्ट। डीजीएन न्यूज में आज बस इतना ही। कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।